मजलूम को इंसाफ देने का काम जो है ये अमल पाकिस्तान में बिलखसूस 9 मई के बाद रुका हुआ है। शहरयार अफरीदी ने बेकुल इस तरह इशारा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, तो इसके भी बताएगा। राना सनाउल्ला ने भी दावा दी है कि पीटीआई आ जाए असम्बलियों में और असम्बली में इस पर बात करे और हमारे साथ मुज़ाकरात करे। तो क्या मैं सवाल समझ गया, खान साहब का लेटर जो है वो अभी कल शाये हुआ है, कौम को समझ नहीं क्यों नहीं आ रही है कि कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत इन हालात में मुमकिन ही नहीं है। खान साहब ने बरमला अल्फाज में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनको खदशात हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और अगर उनकी लाइफ को या उनकी बेगम की लाइफ को कुछ होता है तो जिम्मेदारान कौन होंगे। इन हालात में ढील की बात करना या कोई कम्प्रोमाइज़ की बात करना मेरा ख्याल है कि समझने वाला था। वज़ीर आला ने कहा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, तो क्या आप लोग तैयार हैं उनके लिए? चढ़ाई का तो नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कब्जा लेंगे। कब्जे से मुराद ये है कि अगर कोई आपकी ज़मीन पे आपकी किसी हक पे नाजायज़ डाका डाल के या कब्जा कर लेता है, तो हमारी शरीयत भी कहती है, हमारा कानून भी कहता है कि ज़ालिम जाबिर से हमारे रिवायात भी है कि वागुजार करें। तो लिहाजा हमारा मैंडेट चोरी करके इन्होंने इस्लामाबाद में ज़बरदस्ती की एक जेली हुकूमत बनाई हुई है, यही हाल पंजाब का है, और वज़ीर आला साहब ने यही बात की है कि हम अपना कब्जा लेंगे। तो लिहाजा ये इसके लिए हमने अदालतों से रजू किया हुआ है मैंडेट की रिकवरी के लिए, हमने इस जलसे जुलूस कर रहे हैं, और अब लगता ये है कि आखिरी जो इसका हल होगा वो लॉन्ग मार्च और फिर धरना होगा। मौलाना फजल रहमान के साथ चलने के लिए तैयार है? ये बिल्कुल तैयार हैं, खान साहब की बिल्कुल वाज़ेह हिदायत हमें मौसूल हो चुकी है। खान साहब चाहते हैं कि मौलाना साहब ने चूंकि खैर सगाली का पैगाम दिया है, और उन्होंने उस दिन पार्लियामान में तकरीर करते हुए दो टोक अल्फाज में ये इजहार कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो चोरी करके उस पर PMLN के मियां शाहबाज साहब को बिठाया गया है। तो लिहाजा हमारे और मौलाना साहब के दरमियान माजी में दो दहाइयों से जो नाखुशगवार ताल्लुकात थे, अब हालात और वाकयात ने हमें एक ही सफ में खड़ा कर दिया है। और खान साहब से उस दिन मुलाकात हुई, असद कैसर साहब जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहे हैं, कभी इम्कान है कि JUI और PTI जो हैं एहतजाज के लिए एक सफ पर होगी। मीडिया पे आपके हवाले से एक बात चल रही है कि ख्वाजा आसिफ के मिलने के साथ आप ख्वाजा आसिफ के साथ मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, इस हवाले से इमरान खान आपसे नाराज़ है, इस बात में कितनी सजा तक इमरान खान साहब
इमरान खान साहब ने पूछा ज़रूर था और मैंने उनको वजाहत भी दी थी, लेकिन ये आजकल मीडिया में इतना झूठ बोला जा रहा है और इसके पीछे मेरे बहुत सारे सियासी मुखालिफीन जो हैं साफियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब बात का बतिंगड़ बना देते हैं। एन ऐसे वक्त में खान साहब जो हैं नाराज़ नहीं है मुझसे, वो उन्होंने अपनी खफगी का इजहार सऊदीया के बयान के हवाले से ज़रूर किया था, और चूंकि मैंने उनको कहा कि मैंने तो अपने तई अपनी एक सोच और जहन के मुताबिक बयान दिया, और खान साहब जो हैं उनको मैंने ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात करूंगा तो उसके ताने बाने ज़रूर पीटीआई से जो है मिलाए जाते हैं, तो लिहाजा मुझे अपने बयान।